हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि ओप्पो A3X 5G फ़ोन में अगर आपका नेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक ओप्पो A3X 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपका नेट काम नहीं कर रहा है, मोबाइल डाटा जो है आप लोग यहाँ पर से ऑन कर रहे हो लेकिन मोबाइल डाटा जो यहाँ पर ऑन ही नहीं हो रहा है, या मोबाइल डाटा तो ऑन हो रहा है लेकिन यहाँ पर जो है नेट काम नहीं कर रहा है, यूट्यूब में ऑफलाइन दिखा रहा है, मतलब सारे ऐप में आपको ऑफलाइन शो हो रहे, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में अगर नेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाइस आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एडिशनल सेटिंग्स का। तो इस एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। तो इस बैकअप एंड रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते इरेज ऑल डाटा का ऑप्शन आएगा, इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते रीसेट के सेटिंग्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला ऑप्शन देख सकते हो, रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने फ़ोन का जो भी पैटर्न या जो भी पासवर्ड है इसको डाल देना है। डालने के बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, तो इस रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स होता है गाइस वो रीसेट हो जाएगा। और मोबाइल नेटवर्क सेटिंग रीसेट होते ही आपका नेट चलने लग जाएगा। फिर भी नहीं चल रहा है तो आप लोग अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर सकते हो या सिम को जो निकाल के फिर से लगा सकते हो। सिम 1 पे है तो 2 पे लगा सकते हो, 2 पे है तो 1 पे लगा सकते हो। ऐसा करने से भी नेट चलने लग जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने ओप्पो A3X 5G फ़ोन में आप लोग इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।